Hey guys, we are back with a new drinking video और आज हम लोग ब्रो कोड ट्राई करने वाले हैं। और सिर्फ ब्रो कोड नहीं, ब्रो कोड का तो इतना मैसेज आया कि भाई ब्रो कोड तो ब्रो कोड तो ट्राई करेंगे ही। द स्ट्रॉन्गेस्ट बियर, एक्चुअली बियर नहीं है, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन उसके साथ हम लोग जो नॉर्मल रेगुलर बियर है उसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है और कौन जीतता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर मेरे वीडियो में नए हो, इस चैनल पे नए हो, तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो यार। आज हम लोग ने 2 months कंप्लीट कर दिया इस चैनल पे। 2 months में 59 वीडियोज है चैनल पे। डूड, वी आर हसलिंग, वी आर मेकिंग फ्यूचर हियर। सो लेट्स गो, वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो बियर है, ऑब्वियसली द ब्रो कोड, ये एक्चुअली सिर्फ बियर नहीं है, ये कार्बोनेटेड वाइन है। मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया है और उसमें मैंने इसको द स्ट्रॉन्गेस्ट बियर कहा था, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। मुझे भी उस टाइम उतना पता नहीं था, मैंने कुछ वीडियोस देखा था, मुझे लगा कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट सिर्फ बियर है। उसके बाद मैं रियलाइज़ किया कि यार ये तो सच में बियर जैसा टेस्ट भी नहीं करता, ये लिटरली वाइन जैसा टेस्ट करता है। ये वाइन ही है, कार्बोनेटेड वाइन, सॉरी थोड़ा बोलने में दिक्कत होता है मुझे। तो ये जो 15%, दिस इज 15% अल्कोहल है इसमें, और उसके साथ हम लोग किंगफिशर, जो कि इंडिया का सबसे नंबर वन ब्रांड में से आता है किंगफिशर, कौन नहीं जानता इसे, द वेरी पॉपुलर ड्रिंक किंगफिशर बियर। तो इसे हम लोग ट्राई कर लेंगे जिसमें सिर्फ 5% अल्कोहल है, एक नॉर्मल रेगुलर बियर के साथ, द स्ट्रॉन्गेस्ट बियर ऑफ ऑल टाइम। लेट्स गो। तो भाई सबसे पहले हम लोग ब्रो कोड ही पी लेंगे, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ, बहुत दिन हो चुका है, एक ही वीडियो बनाया था वो भी मंथ्स पहले, तो मंथ पहले बोल सकता हूँ क्या, लेकिन मुझे इसका टेस्ट उतना याद नहीं है। और कितना स्ट्रांग है ये तो पता चलेगा जब मैं इसको कंपेयर करूँगा किंग फिशर के साथ, जिसमें सिर्फ 5% अल्कोहल है। इसे ओपन कर लेते, इसको ओपनर भी नहीं चाहिए, इसको ऑलरेडी जैसे कि तुम देख सकते हो सील है। तो पहले तो हम लोग इसको रिमूव करेंगे और नेक्स्ट इसका क्लिप टाइप का कुछ है जिसमें जैसे ट्यूबॉक में रहता है, तो इजी टू रिमूव। यो ब्रो, ओहो हो, हाँ थोड़ा मतलब मैंने ज़्यादा जोश भी किया तो थोड़ा गिर गया, कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई कर लेते हैं। लेट्स गो। तो कुछ ऐसा कलर है, ऑब्वियसली एकदम वाइन जैसा कलर है, शैम्पेन जैसा कलर है, एक्चुअली बोल सकता हूँ कि ये वाइट वाइन या शैम्पेन बोल सकते हो, शैम्पेन जैसा कलर है। टेस्ट में, सेंट में तो बिल्कुल मतलब फुल वाइन का ही सेंट आ रहा है। ऑब्वियसली मेरे को लास्ट वीडियो में मैंने इसको बियर कहा था तो बहुत लोग गुस्सा हो गए थे, भाई मुझे खुद जेन्युइनली पता नहीं था और मैंने उतना पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि सामने कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, पीछे छोटा सा लिखा हुआ है। और ये यूनाइटेड वी ड्रिंक, ओके मुझे नहीं पता ये यूनाइटेड स्टेट का है क्या, ये अपना कंट्री का तो नहीं है मुझे जितना लगता है। तो ट्राई करके देखते हैं। ओहो, फुल वाइन का टेस्ट आ रहा है और सेम वाइन जितना ही अल्कोहल परसेंटेज भी है, 15% अल्कोहल। वेस्ट बंगाल में इसका प्राइस है 180 rupees 330 ml का, काफ़ी कॉस्टली है, सच बोलूँ तो भाई काफ़ी कॉस्टली है, नॉर्मल बियर से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। लेकिन हाँ, टेस्ट एकदम भी बियर जैसा नहीं है, नॉर्मल बियर जैसा बिल्कुल नहीं है, ये पूरा वाइन जैसा टेस्ट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग तो है ही भाई, स्ट्रॉन्ग बहुत है, 15% अल्कोहल है। और या मैन, जो अल्कोहल है वो समझ में आ रहा है, पता है वो इतना स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग है, लेकिन उसके साथ वाइन का भी टेस्ट है। तो यार ये तो ऑब्वियसली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन प्राइस में मैं कहूँगा कि यार थोड़ा कम प्राइस होना चाहिए। अब तुम लोग जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, दिल्ली, मुंबई, कोई और कंट्री से भी देख रहे हो,
तो अपना स्टेट का प्रो कोड का प्राइस क्या है वो डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स में लिख देना। लोगों को उससे हेल्प मिलता है, लोगों को पता चलता है। एक्चुअली लोग कमेंट बॉक्स चेकआउट करते हैं कि उनके कंट्री में या उनके स्टेट में उनके सिटी में क्या प्राइस है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता या वेस्ट बंगाल में जितना भी है सब जगह पे 180 रुपीज़ है। दुर्गापुर में, मैं दुर्गापुर में रहता हूँ तो 180 रुपीज़, 330 ml और 15% एल्कोहल डूड। और कलर देख सकते हो बिल्कुल वाइट वाइन जैसा या शैंपेन जैसा, जैसा भी तुम बोलना चाहो। तो इसे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट हम लोग नॉर्मल बियर ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं कि वो कैसा टेस्ट करता है। मतलब पहले मैंने ब्रोको ट्राई कर लिया तो ऑब्वियसली अब पता चलेगा कि उसका बज क्या है इसके कंपैरिजन में। चीयर्स। ओ मैन, ब्रिंग ऑन द म्यूजिक मैन, बियर है, ब्रिंग ऑन द म्यूजिक। तो भाई नेक्स्ट हम लोग ट्राई कर लेंगे द किंग फिशर, जो कि नॉर्मल बियर है, 5% अल्कोहल है और 60 रुपीज़ प्राइस है। इसको मैंने पहले भी दिखा दिया है, मैंने पहले जब बियर वीडियोस बनाया था तो किंग फिशर यूज़ किया था। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा, मेरे भाई लोग ने यहाँ पे कमेंट किया कि कॉसबर्ग लाओ, लेकिन मुझे कॉसबर्ग अनफॉर्चुनेटली अभी दुर्गापुर में कहीं नहीं मिला। मैंने 3 दुकान गया, ऑलमोस्ट तीनों दुकान में कॉसबर्ग नहीं था। तो देखा कि कोई बात नहीं, मुझे एक नॉर्मल बियर चाहिए जो कि पता चले कि कैसा टेस्ट करता है आफ्टर टेस्टिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बियर और वाइन और कार्बोहाइड्रेटेड वाइन ब्रोकोड। तो इसे हम लोग ओपन कर लेंगे और देखेंगे कैसा है। जैसा कि तुम लोगों को पता है मैं बियर नहीं पीता, तो अगर तुम पुराने हो मेरे चैनल पे तो तुमको पता होगा इसमें भी भाई पेपर हो रहा है यार। इसे मैं खोलूंगा ना तो थोड़ा रुक जाते हैं। तो क्योंकि मैं उतना बियर पीता नहीं हूँ तो मेरे पास ओपनर नहीं है, तो यार काफी प्रॉब्लम होता है पता है। किसी दिन मेरा दांत ही ना उखड़ जाए। हाँ चलो, तो ट्राई करके देख लेते हैं। तो भाई ये है किंग फिशर, एक नॉर्मल 5% अल्कोहल बियर जो कि कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रीमियम क्वालिटी का नॉर्मल बियर है। उसका कलर ये है, देख सकते हो तो कैसा विस्की जैसा कलर है। और ऑब्वियसली ये ही है एक्चुअल बियर का कलर। जो बियर का कलर होता है वो एक्चुअली ऐसा है, वो वाइन जैसा ऑब्वियसली नहीं है। सेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बियर का, जैसे नॉर्मली हर एक बियर का, ट्यूबॉक, कॉसबर्ग, बडवाइजर, फिर बीरा, हर बियर का जैसा सेंट होता है। हॉवर्ड 5000 उस पर भी वीडियोस बनाए हैं हम लोग ने। तो हर एक बियर का जैसा सेंट होता है, टेस्ट अलग हो सकता है लेकिन ऑब्वियसली सेंट एकदम बियर जैसा है, उसके जैसा वाइन जैसा टेस्ट या सेंट नहीं कर रहा। अब टेस्ट तो ऑब्वियसली मुझे पता है लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे, देखेंगे कितना स्ट्रॉन्ग लगता है ब्रो कोड ट्राई करने के बाद। चीयर्स। यार सच कहूँ ना तो ब्रो को ट्राई करने के बाद ये मुझे लिटरली खट्टा लग रहा है। मतलब इतना खट्टा लग रहा है, जैसे लग रहा है इसमें कोई स्वीटनेस ही नहीं है। उसमें इतना स्वीटनेस था ब्रो कोड में, इतना ज़्यादा स्वीटनेस था कि उस पर 15% अल्कोहल होने के बाद भी मुझे पता भी नहीं चला कि एक हाँ स्ट्रांग वाला फीलिंग तो आया, लेकिन जो होता है ना कि बियर पी रहे और ढकारना है, यही तो मतलब पॉइंट है कि बियर ही नहीं है वो अगर ढकाना है तो। मैं सॉरी मेन पॉइंट पे आता हूँ। मेन पॉइंट ये है कि यार ये बहुत खट्टा है, ठीक है, बहुत खट्टा सॉल्टी टाइप का एक, जो नॉर्मल हर एक बियर में होता है, लेकिन ब्रो कोड बहुत स्वीट है। तो ऑब्वियसली उसमें 15% अल्कोहल होने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा, आफ्टर यू ड्रिंक 2-3 बोतल और ब्रो कोड, तब आपको पता चल जाएगा कि आप क्या गलती किए हो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें स्वीटनेस नहीं पसंद तो नॉर्मल बियर
जैसे नॉर्मल बियर होता है तो नॉर्मल बियर पे जाओ। अगर स्वीटनेस पसंद है, स्ट्रांग पसंद है, एकदम कुछ नया ट्राई करना है, कार्बोहाइड्रेट वाइन ट्राई करना है, वाइन वो भी बियर फॉर्म में, तो ब्रो कोड इसे खत्म करते हैं। लेट्स चीयर्स, ब्रिंग ऑन द बॉडी म्यूजिक। तो भाई मेरे हिसाब से अगर स्वीटनेस में जाऊं तो ब्रो कोड, अगर स्ट्रॉन्ग बियर जो एक थोड़ा खट्टा फीलिंग लाता है तो किंगफिशर। लेकिन मैं एक्चुअली आज रेट नहीं कर सकता कि कौन जीता कौन हारा, ये तुम लोग पे है। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन जीता कौन हारा, खुद भी ट्राई करो जाके और मुझे बताओ। क्योंकि यार एक साइड जो कि बियर कहा जाता है लेकिन ऑब्वियसली बियर नहीं है, ये कार्बोनेटेड वाइन, क्यों मुझे बार बार देखना पड़ता है यार, याद ही नहीं रहता। क्या पता कितना ढकार मारूंगा मैं अभी तक, मतलब देख सकते हो हाफ बोतल भी मैंने दोनों का नहीं पिया फिर भी ढकार आ रहा है, जेन्युइन है, एटलीस्ट मुझे पता है जेन्युइन बोतल है। तो भाई तुम लोग खुद बताओ कि कैसा है, ये 60 रुपीस का, ये 180, लेकिन ऑब्वियसली ये 5% अल्कोहल तो ये 15% अल्कोहल, और ये वाइन का टेस्ट लाएगा, ये नॉर्मल बियर जैसा बियर टेस्ट करता है। तो मैं कहूँगा अगर बियर ट्राई करना है तो मत जाओ ब्रोकोड में, किंगफिशर बेस्ट। लेकिन अगर कुछ नया ट्राई करना है वाइन के टेस्ट में बियर ट्राई, तो ब्रोकोड। तो भाई इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा, अपने स्टेट अपने सिटी का अपने कंट्री का जो प्राइस है इन दोनों का वो कमेंट सेक्शन में लिख दो, लोगों को उससे हेल्प मिलता है। और मुझे तुम लोग बताओ कौन जीता कौन हारा, मतलब किसको आउट ऑफ 10 ये कितना, आउट ऑफ 10 इसको कितना मिलना चाहिए, तुम लोग बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।